जानकारी आपको पता हो तो वो भी चैटबॉक्स में लिख के बताए यस आई नो यस हम लोग लाइव जा रहे हैं एक मिनट यस yes. तो फ्रेंड्स ई का मतलब क्या है आज हम लोग इसका पूरा डिटेल समझेंगे मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन वन मिनट तो इमोशंस हमारे पूरा दिन भर सुबह से रात तक किस किस टाइप के इमोशंस में आप रहते हैं आपने कभी रिकॉग्नाइज किया है अपने इमोशंस को फ्रेंड्स आपके इमोशंस कैसे कैसे इमोशंस चलते हैं पूरे दिन भर कैसे कैसे इमोशंस में आप रहते हैं हम्म बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा अपने अपने इमोशंस के बारे में क्योंकि आपको सेशन में आगे काम आएगा अपने इमोशंस को देख के रखिए कि मैं किस टाइप के इमोशंस में ज्यादातर रहती हूँ रहता हूं तो आज हम लोग जानेंगे ई एफ ये इंग्लिश के अल्फाबेट है लेकिन उसके अलावा इसका क्या मीनिंग है उसे हम समझेंगे तो ई एफ का फुल फॉर्म है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक भावनात्मक स्वतंत्रता तक, तकनीक तो ये क्या है समझते हैं तो इस टेक्निक को जिन्होंने सबके सामने लाया वो है गैरी क्रेग इनके फाउंडर है और बाद में आगे जाके इसको बहुत इस ही स्पिरिचुअल जो रिनाउंड है सभी ने इसको कंफर्म किया यस yes, कि ये टेक्निक काम करती है और ये टेक्निक बहुत ही फायदेमंद है उसमें से लुइज है, है जो उस टेक्निक को अपने रोजमर्रा के काम में वो यूज करती थी अपने जो उनके पास आते थे लोग अपने प्रॉब्लम्स को लेके तो उन्होंने भी पाया कि एफ के जरिए बहुत सुंदर से रिलीज कर पाते हैं लोग तो एफ में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी ये सारे पॉइंट्स होते हैं जैसे एक्ोप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं ना ठीक उसी तरह ये सारे पॉइंट्स होते हैं जिसमें हम काम करेंगे तो जैसे एक्प्रेशर में तो बहुत जोर से पेन करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे हम सॉफ्टली सिर्फ टैप करेंगे और ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये सारे पॉइंट्स पे हम टैप करेंगे किस तरह से करना है मैं आगे सेशन में आपको पूरा डिटेल जानकारी दूंगी और आप लोगों के जो इमोशंस है मैं कुछ एक के इमोशंस भी लूंगी ताकि हम लोग क्लास में लाइफ फील करेंगे कि कैसा फील हो रहा है आपको तो इसमें जो पॉइंट्स है सबसे पहले ये जो पॉइंट है मैं एक बार वीडियो ऑफ नहीं करके ऐसे दिखा रही हूँ बाद में आपका कैमरा स्क्रीन शेयर ऑफ करके मैं आपको दिखाऊंगी मेरे हाथ आपको दिख रही है पॉइंट बोलते हैं अच्छा मैं एक बार ऑफ करती यस 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 आप दिख रहे हैं yes. तो ये जो हाथ का ये जो पॉइंट है हमारा इसको हम बोलते हैं कैरेटे पॉइंट तो यहाँ पे हम सॉफ्टली टैप करेंगे अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि दो उंगली से करे चार उंगली से करे ऐसे करे कैसे भी करिए वो मैटर नहीं करता है टैपिंग मैटर करता है एक से करिए दो करिए ऐसे करिए ऐसे दैट इज ओके और उसके बाद हम इसमें अफॉर्मेशन या जो भी वर्ड्स हम बोलेंगे उसके साथ करेंगे क्राउन पे करेंगे आईब्रो के बीच में करेंगे आईज के आउटसाइड करेंगे नोज के नीचे लिप के नीचे हमारी जो ये कॉलर बोन होती है ना यहाँ पे दो बोन्स है यहां इसके ऊपर जरूरी नहीं है आप दो हाथ से भी कर सकते हैं सिंगल से भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं और फिर है अंडर आर्म्स के चार फिंगर नीचे चार उंगली अगर हम रखते हैं उसके नीचे तो ये हुआ कंप्लीट ओके okay? और इसकी ब्यूटी है सबसे सुंदर चीज है हम अफर्मेशन के बारे में बहुत डिस्कस करते हैं बहुत जानते हैं तो किसी किसी को ये प्रॉब्लम होती है कि अफॉर्मेशन में तो हम झूठ बोल रहे हैं लेकिन इसमें क्या करते हैं हम अपने प्रॉब्लम क्या है उसे स्वीकारते हैं सबसे पहले उसे स्वीकारते हैं तो हमारी जो भी इश्यूज़ है हम उसे बोलते हैं तो यहाँ पे आपको एक सवाल आएगा कि ऐसा क्यों <coughs> तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसलिए ऐसा है कि मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर साहब मुझे दवाई दीजिए मुझे दवाई दीजिए तो डॉक्टर आपको क्या बोलेगा कहाँ दर्द हो रहा है ये तो बताइए है कि नहीं आपका पेट दर्द हो रहा है माथा दुख रहा है हाथ दुख रहा है क्या हो रहा है आप बताएंगे तब तो डॉक्टर आपको सही इलाज करेगा ठीक इसी तरह आपको अपने आप को जब आप ये देते हैं बोलते हैं कि मुझे ये दिक्कत है ये प्रॉब्लम है फिर भी मैं अपने आप को स्वीकारती हूँ फिर भी मैं ठीक होना चाहती हूँ तो आप उस चीज से बहुत इजीली बाहर आते हैं और फ्रेंड्स टैपिंग के बाद आपकी मेडिटेशन बहुत अच्छी होती है टैपिंग के बाद आपके अफॉर्मेशन बहुत और पावरफुल वे में काम करती है आपकी जो गोल्स है विजुअलाइजेशन से, आप कोई भी चीज को लेके टैपिंग का यूज कर सकते हैं आज हम लोग जानेंगे कि आ, बहुत सारी हमारी लाइफ की जो चीजें हैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग पे हम काम कर सकते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी मेरिडियंस है जैसे हमारे शरीर में आप लोग सब जानते हैं हमारे शरीर में जो हार्ट से हमारे खून सप्लाई होती है पानी सप्लाई होती है ठीक इसी तरह हमारे शरीर में ऊर्जा बहती है हम ऊर्जा शरीर हमारे कहा जाती है तो जब हम किसी तरह के कोई इमोशंस में ब्लॉकेजेस uh, क्रिएट होती है एक ही इमोशंस में बहुत रहते हैं तो वो हमारे एनर्जी मेरिडियंस में ब्लॉकेजेस बनकर फिर शरीर में बीमारी के रूप में बाहर आती है तो हम उसे जब ये टैपिंग करते हैं हमारी ये एनर्जी मेरिडियंस खुल जाती है और एनर्जी की सप्लाई बहुत सुंदर से और बहुत अच्छे से पूरे शरीर में होती है तो इस तरह से ये साइंस काम करता है ये एक uh, बहुत सुंदर इसमें साइंटिफिक भी रिसर्च बहुत हुई है तब जाके ये बहुत लोगों ने इसके ऊपर बहुत बेनिफिट मिला बहुत बड़ी बड़ी बीमारी में आपको जान के हैरान होगा कि कैंसर तक की बीमारी में लोगों ने इस इसमें बेनिफिट मिला है और उनके लाइफ के बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशंस जहां हम भागते हैं उनको फील करके अभी जो हम लोग किए थे अफॉर्मेशन और इसके साथ टैपिंग लास्ट जो सेशन मैंने करवाया था उसमें भी मुझे लोगों का बहुत अच्छा अच्छा फीडबैक मिला सबका कि बहुत ही उसमें करते हुए बाद में उनको जब किए तो उनको ऐसा लगा कि अचानक उनके इमोशंस बाहर आ रहे बहुत रोना आ रहा था तो फ्रेंड्स अगर रोना आता है इसको करते वक्त आपको कोई भी इमोशंस का आउटबर्स्ट हो रहा है आपको उससे डरना नहीं है उससे ये नहीं करना अरे ऐसा क्यों हो रहा है मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ ये अच्छा है कि आपके अंदर जो सप्रेस एनर्जी है जो ब्लॉक एनर्जी है वो आप रिलीज कर रहे हैं तो इसके लिए डरना नहीं है तो ये एक रिसर्च बताती है कि ये जो है पहला टैपिंग से पहले उनके ब्लड सेल को लिया गया और उसको जब देखा गया कि उसमें बहुत सारे वो है आप देख रहे किस तरह से जमा हुआ है एकदम एक, एक जगह सेकेंड पिक्चर में दिखा रहे हैं कि कुछ देर जब ई एफ टी टैपिंग किया गया उसके बाद थोड़े थोड़े खुलने लग गए नॉट्स और थर्ड में दिखा रहे हैं कि कुछ देर और थोड़ी देर टैपिंग करने के बाद उनके ब्लड फ्लो एकदम फ्री फ्लो हो गया तो आप सोचिए कि टैपिंग कितना इफेक्टिव है कि उनके ब्लड फ्लो जो है एकदम परफेक्ट वे में फ्री फ्लो होने लगा तो इस तरह से ये साइंस काम करती है तो हम सब अभी सिर्फ फील करेंगे उससे पहले आप सबको चैट बॉक्स में अपने अपने एक इमोशन लिखना है अभी या फिर कौन से इमोशंस है जो आप उससे गुजरते हैं और अपने आप से ऑनेस्ट होना है ये नहीं कि मैं तो स्पिरिचुअल पर्सन हूँ ये एक हमारी धारणाएं है कि स्पिरिचुअल पर्सन नेगेटिव नहीं फील कर सकते ह्यूमन बॉडी में है नेगेटिव इमोशंस की अपनी एक ब्यूटी है उसको फील करने के लिए तो हम मनुष्य शरीर में आए हैं लेकिन उसमें ही रहेंगे सारा दिन भर तो हम अपनी डिविनिटी को खो के भूल के उसी में डूब जाते हैं तो अब हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और उससे बाहर आने के लिए हम टैपिंग करेंगे तो सभी को बॉक्स में लिखे आप कौन से नेगेटिव इमोशन फील करते हैं डिप्रेशन डाउट शेम गिल्ट सैडनेस थोड़ा दुखी फील करते हैं रह रहे के गिल्टी का कोई भाव आपके अंदर आता है किसी चीज को देख के लालच का भाव आता है जेलेसी होता है कोई भी भाव ऑनेस्टली आपका कहीं शरीर में कहीं पे कोई दर्द है आपको कुछ गुस्सा आता है फियर फ्रस्ट्रेशन यस और लिखे इसी तरह से मुझे आप लोगों पे काम करने में इजी होगी कि मैं क्या टॉपिक पे लूँ और उस पर हम लोग ई करेंगे तो EFT के दौरान आपको क्या करना है लॉन्ग डिप ब्रेथ लेना है और डिप ब्रेथ छोड़ना भी है लॉन्ग डिप ब्रेथ मुंह से सांस छोड़ेंगे तो और अच्छा रहेगा कि एक रिलीजिंग हम बॉडी को भी सिग्नल देते हैं कि हम रिलीज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है मुंह से श्वास बाहर छोड़ेंगे और इंग्लिश में इसके जो लाइंस है इस तरह से है Even though I have this, uh, I have this fear, uh, उसके बावजूद भी I love and accept myself. Even though I have this fear, I love and accept myself. और हिंदी में इसे अगर बोलेंगे जबकि मुझे बहुत ज्यादा डर महसूस होता है फिर भी मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करती हूँ तो पहले यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है कि किस चीज पे आपको काम करना है तो उसके लिए आपको पहले शब्द में एक्नोलेज करना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है ये दर्द है ये चैलेंज है तो उसके बाद आप इसको लिखेंगे पॉजिटिव वर्ड्स में कि अब मैं फिर भी अपने आप को प्यार और स्वीकार करती हूँ तो फिर आप इसको समझ गए कि किस तरह एक मिनट तो आप कोई भी जो भी आपके चैलेंजेस है पहले उसे हम स्वीकार करेंगे और फिर जो कुछ भी है सबसे ज्यादा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है मैं अपने आप को फिर भी प्यार और स्वीकार करती हूं तो इस तरह से हमें फ्रेम करना है तो जबकि भी बोल सकते हैं यद्यपि भी, भी बोल सकते हैं दोनों परफेक्ट है इट्स ओके okay, कोई बात नहीं है तो सबसे पहले आप लोगों ने जो जो लिखा है आप पहले इसमें लिखिए कि अभी आपका जो फीलिंग है वो कौन सा नंबर पे है आपको कौन सा नंबर पे फील हो रहा है अगर हम उसे एक से दस का मार्क्स दे तो क्या आप उसे नंबर देंगे जैसे आपने लिखा है फियर फ्रस्ट्रेशन पेन और इमोशंस हेट्रेट की फीलिंग एंगर सैड फियर पेन के चलते गुस्सा तो ये सारे को आप अगर नंबर देंगे कितना नंबर देंगे समटाइम जेलेसी, सैडनेस फियर बहुत अच्छा आप लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं ये बहुत अच्छी एक बात है यस yes. तो आप लोग सभी को इसे नंबर दीजिए चैटबॉक्स में लिख के बताइए कितना नंबर फील हो रहा है आपको टू टू ओके और एक से दस के अंदर फिर हम लोग टैपिंग के बाद उसे नंबर देंगे कि कितना कम हुआ तो पहले अभी कितना नंबर पे है और फिर हम लोग खुद देखेंगे कि अब हम कितने नंबर पे हैं सिक्स फाइव थ्री फाइव फोर ग्रेट वंडरफुल तो अब हम लोग इसे करके देखते हैं ठीक है प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग एक इमोशन लेते हैं क्या लेंगे हम्म फियर जेलेसी पेन इमोशनल हेट्रेड एंगर पेन ओके चलिए तो हम फियर लेते हैं ठीक है तो मुझे डर लगता है तो ये पॉइंटर्स है और इसके साथ हम करते हैं फिर एडवांस वाला आगे का फिर मैं इसके बाद कराऊंगी तो पहले ये करते हैं हम लोग तो सबसे पहले अपना हाथ को इस तरह से करें सभी कोई पॉइंट और यहाँ पे हम टैप करेंगे यद्यपि मुझे बहुत डर लगता है यद्यपि मुझे बहुत डर लगता है फिर भी मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करती हूं जो मेल्स है वो बोले मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करता हूं यद्यपि मुझे रह रहे के डर की फीलिंग आती है फिर भी मैं अपने आप को मैं जैसी हूं वैसे स्वीकार और प्यार करती हूँ लॉन्ग डिप्रैथ हेल एक्सेल यद्यपि मुझे बहुत डर लगता है मुझे बहुत चिंता सताती है फिर भी मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करती हूँ मेरे साथ साथ क्राउन पे दो हाथ से भी कर सकते हैं एक से भी कर सकते हैं परफेक्ट है दोनों ये डर ये डर ये डर आईब्रो के बीच में ये डर ये डर ये डर आईब्रो के साइड में कॉर्नर ऑफ द आईज ये डर ये डर ये डर फीलिंग को एक्नोलेज करे बताएं नोज के नीचे ये डर ये डर ये डर लिप के नीचे ये जो डर है ये डर ये डर कॉलर बोन पे ये डर इंटेंसिटी को फील करे पूरा फीलिंग के साथ अंडर आर्म्स के नीचे चार उंगली नीचे ये डर ये डर ये डर लॉन्ग ब्रेथ इनहेल महसूस करें कैसा फील हो रहा है कितना मार्क्स देंगे आप अपने आप को अभी कितना मार्क्स देंगे ओके चलिए दो बार और करेंगे और उसके बाद अभी कितना महसूस हो रहा है फिर करने के बाद कितना महसूस हो रहा है हम लोग उसका मार्क्स देखेंगे वेरी नाइस गुड तो चलिए फिर से कैरा टच पॉइंट यद्यपि मुझे रह रहे के बहुत डर लगता है चिंता सताता है आगे क्या होगा फिर भी मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करती हूँ मैं जैसी हूं वैसे यद्यपि मुझे अपने भविष्य को लेकर अपने पास्ट को लेकर डर सताती है फिर भी मैं अपने आप को मैं जैसी हूँ वैसे प्यार करती हूँ पूरी तरह स्वीकारती हूँ यद्यपि मुझे रह रहे के डर लगता है एक अनजाना डर पता नहीं कल क्या होगा फिर भी मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करती हूँ मैं जैसी हूं वैसे क्राउन पे ये डर रिलीज ये डर रिलीज आईब्रो के बीच में ये डर रिलीज जो भी डर है जिस भी कारण से डर है रिलीज आंखों के कॉर्नर्स में इस डर से मैं बहुत चिंतित हूं रिलीज रिलीज आंखों के नीचे ये जो बोन्स है उठी हुई यहाँ पे ये जो डर है इस डर से मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगती है रिलीज 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 नोज के नीचे ये डर मैं इससे फ्री हो रही हूं ये डर रिलीज हो रहा है लिप के नीचे ये डर मुझे बहुत डर लगता है एक छोटे बच्चे की जैसे मुझे अभी भी अंदर दिल के कोने में बहुत डर लगता है कॉलर बोन पे ये डर रिलीज जिस भी चीज का डर है अनजाना डर है रिलीज अंडर आर्म्स के नीचे फोर फिंगर नीचे ये डर रिलीज मैं फ्री हो रही हूं मैं फ्री हो रही हूं लॉन्ग डिप ब्रेथ इनहेल लॉन्ग डिप ब्रेथ एक्सहेल Long deep लॉन्ग गिब्रेट इनहेर कैसा फील हो रहा है आप up wonderful तो एक बार और करेंगे लास्ट टाइम तो चलिए इस बार मैं आप लोगों को पिक्चर के साथ करवाती हूँ तो हम हर तरह से करेंगे अच्छा इस बार हम लोग एक नया चीज ऐड करेंगे इसके साथ ताकि आपको एक साथ सारा कराने से आप लोग का हो जाता है तो शॉर्ट में ये वाला हम कर सकते हैं रोज इसको हम मेडिटेशन से पहले भी एक बार कर सकते हैं कि मेरा ध्यान गहरा नहीं लगता है फिर भी मैं अपने आप को प्यार और एक्सेप्ट करती हूँ फिर भी मैं ध्यान करना हर दिन चुनती हूँ हर दिन सुबह उठ के ध्यान करना चुनती हूँ तो इस तरह से आप कोई भी फ्रेम बना सकते वर्ड का तो अभी हम लोग जो करेंगे इन सबके साथ अपने हाथों में भी हमारे पॉइंट्स होते हैं तो ये जो थंब है थंब में ये जो नाखून है ये नाखून के यहाँ पे पॉइंट है ठीक है तो यहाँ पे हम टैप करेंगे ऐसे एक फिंगर से कर सकते हैं दो से कर सकते हैं इसके बाद हम करेंगे इस पे सेकेंड जो थंब के तरफ से अब इस तरफ से नहीं करना है आपको याद रखना जिस तरफ थंब है उसी साइड पे करना है तो यहाँ पे करेंगे और अफॉर्मेशन अपना जो बोल रहे हम बोलेंगे फिर थर्ड फिंगर में करेंगे फोर्थ में नहीं करना है रिंग फिंगर में नहीं करना है फिर लिटिल फिंगर में करना है ठीक है तो अब उसके साथ हम इसको भी ऐड करेंगे यस यस क्या टच पॉइंट में सबसे पहले और हाँ इसमें यहाँ पे हम तीन बार बोलते हैं और जो ये सब कर रहे हैं यहाँ पे सात सात बार तो ऐसा नहीं है अगर आप तीन से ज्यादा बोले कम बोले वो भी चलेगा एक मेजरमेंट आपको समझाने के लिए दिया गया है कि तीन कैराटे चौप पॉइंट में और हर जगह पे सात सात बार टैप करना तो चलिए यद्यपि मुझे बहुत डर लगता है स्टेज फियर बच्चों को लेके डर फाइनेंस को लेकर डर किसी भी तरह का डर उसे आप अपना फील करिए रिश्तों को लेकर डर फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार और स्वीकार करती हूँ यद्यपि मुझे बहुत डर लगता है लोग क्या कहेंगे दूसरे क्या बोलेंगे फिर भी मैं अपने आप को मैं जैसी हूं वैसे पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ पूरी तरह से प्यार करती हूँ यद्यपि मुझे डर है कि कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, मेरा काम सही से नहीं हुआ तो क्या होगा फिर भी इन सब के बावजूद मैं अपने आप को पूरी तरह से मैं जैसी हूँ वैसे प्यार और स्वीकार करती हूँ क्राउन पे मैं अपने सारे डर के बावजूद अपने आप को प्यार और स्वीकार करती हूँ आईब्रो के बीच मेरे सारे डर के बावजूद मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करती हूँ आंखों के कॉर्नर पे मैं डर से ऊपर उठ रही हूं क्योंकि मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करती हूं आंखों के नीचे ये डर अब मेरा कुछ नहीं कर सकता अब मैं अपने आप से और प्यार और स्वीकृति मेरी बढ़ चुकी है नोस के नीचे मुझे डर लगता है कोई बात नहीं मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करती हूँ लिप के नीचे जब भी मुझे डर लगता है अब मुझे पूरा विश्वास है यूनिवर्स पे अपने आप पे मैं अपने आप से अब पूरा प्यार पूरा स्वीकार भाव रखती हूँ कॉलरबोन पे ये डर मुझे सिखाया है मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है मुझे अपने आप से मिलाया है मैं खुद से प्यार और स्वीकार करती हूँ अंडर आर्म्स के नीचे अब मैं इस डर से ऊपर उठ चुकी हूँ मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करती हूँ मैं जैसी हूं वैसे अपने हाथों को ले थंब के ऊपर नाखून के पास ये डर ये डर रिलीज 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 सेकेंड फिंगर पे अब मैं ये डर से ऊपर उठ चुकी हूं मैं अपने आप से प्यार दूसरे अंकुन पे मैं अपने आप से प्यार और स्वीकार करती हूँ मैं जैसी हूँ वैसे रिंग फिंगर छोड़ के लिटिल फिंगर पे मैं इस डर से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ अब मैं फ्री फील कर रही हूँ मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करती हूं मैं जैसी हूं वैसे लॉन्ग डिप ब्रेथ इनहेल मुंह से श्वास छोड़े लॉन्ग ब्रेथ इनहेल यस अब अपना अपना इमोशन को फील करे और मार्क्स दे कैसा अब आप फील कर रहे हैं दस से जो भी आपका नंबर्स था अपना अपना इमोशंस के लिख के बताइए कितने मार्क्स देना चाहेंगे अब आप बताइए और उसे रिकॉग्नाइज करिए ताकि आपको जान के सुविधा होगा कि किस तरह से ये चीजें काम करती है कैसे हम इसे अपना के अपनी कुछ भी चीजों पे अप्लाई कर सकते कोई भी ऐसा चीज आप पूछिए कि आपको कैसा इस पे काम होता है क्या मैं इस पे काम कर सकती हूँ क्या आप कुछ भी पूछिए तो आपको मैं क्लियरिटी दे सकती हूँ पूछना था जैसे आपने हर जगह डर वर्ड यूज किया उसकी जगह अगर पेन है तो दर्द मतलब हाँ यस ये दर्द है एकदम सही समझा यस वर्ड वो यूज कर सकते हैं ऐसे हाँ, आप बोल सकते हैं यद्यपि मुझे ये दर्द है मेरे पीठ में बहुत दर्द है मेरे घुटनों में बहुत दर्द है ये दर्द मेरा जान ले लेती है मुझे घूमने फिरने नहीं देती है मैं इससे असहाय फील करती हूँ फिर भी मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करती हूँ ठीक है एक पूछना था आईज क्लोज करके करना है या आईज ओपन करके कैसे भी कर सकते हैं मैं आईज क्लोज करके थोड़ा भाव में ज्यादा आती हूँ इसलिए मेरी आईज अपने आप बंद हो जाती है तो जिस तरह से भी इसमें फीलिंग इम्पॉर्टेंट है हर चीज फीलिंग बिना रोबोट है फीलिंग से हम इंसान इंसान है तो फीलिंग तो, करने से फीलिंग अच्छा है यस बोलते हैं ना दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें आंखें बंद करके फील की जा सकती है मतलब रिलैक्स लग रहा मतलब, है सच में यस और सबका पॉइंट्स हाँ थ्री हा वन वेरी नाइस फाइव वन ओके बहुत अच्छा बहुत अच्छा तो आप लोगों ने और इसमें जीरो भी हो सकता है ऐसा भी होता है कि आपका एक सेशन में एक बार में भी आपको लगेगा कि आपका रिलीज हो गया तीन बार करने के बाद तो आपका आप दस से जीरो तक के मार्क्स में जीरो भी दे सकते हैं अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा तो गायब हो गया और ये ग्रुप एनर्जी में तो बहुत सुंदर से काम करता है किसी को हुआ ऐसा जीरो फील हो रहा है जो भी इंटेंसिटी था हम लोग ऑब्वियसली अभी एक ही चीजों पे काम किए हैं और भी आप लोगों का तो काफी सारे इमोशंस है काफी सारे है हमारे दर्द हो गया फिर और क्या हो सकता है किस पे हम काम कर सकते हैं कभी है, हम ह्यूमन बॉडी में है ऐसा नहीं कि हमें जेलेसी फील नहीं होता आप फील कर सकते कि मुझे जेलेसी हो रही है मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है मैं बोल नहीं पा रही हूं मुझे उनको बोलना है उनपे चिल्लाना है उनका हिम्मत कैसे हुआ मुझे ऐसे बोले फिर भी मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करती हूँ <laughs> और क्या हो सकता है बताइए थोड़ा मुझे हेल्प करिए yes. संबंध के के लिए। हाँ, क्या के लिए? के लिए।, के लिए? कमर दर्द के लिए बोल रहे हैं। संबंध आपस में अच्छा संबंध। यस yes, हाँ एंगर के लिए भी सेम मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे इतना गुस्सा आ रहा है लग रहा है मैं कोई चीज तोड़ दू उनका सर फोड़ दू फिर भी मैं अपने आप को जो आ रहा है अपने इमोशन को सच्चाई से बोले तब आप उससे बाहर आ सकते हैं <laughs> मेरा मन कर रहा है कि मैं उनको जाके उनको एक थप्पड़ मारूं फिर भी मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करती हूँ जो है वो बोलिए ये मत करिए सारा दिन हम तो मास्क पहन के रहते हैं इस टाइम पे तो मास्क मत पहनिए तो आप उससे ऊपर उठ पाएंगे दुख खा रहा है हाँ ये ये दुख मुझे बहुत परेशान कर रही है मुझे ये दुख है किस चीज का दुख है उसको अपने आप को म्यूट रखे यस किस चीज का दुख है वो बताइए कि मुझे इस चीज का दुख है और ये दुख के कारण मेरा हार्ट भी तेज होती है मुझे अच्छा लगता नहीं है मैं कहीं पे भी जाऊं मुझे बहुत ही एक दिखावा सा लगता है जो भी आपके भाव है फीलिंग है टैप करते हुए उसे एक्नोलेज करें मुझे ऐसा फील यद्यपि मैं फील करती हूँ कि लोग मुझे इग्नोर करते हैं मैं इतना करती हूँ फिर भी मुझे एक्नॉलेज नहीं मिलता है मैं सबका करती रहती हूँ फिर भी वो मुझे अनदेखा करते हैं अब से मेरा मन करता है मैं नहीं करूंगी फिर भी मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करती हूँ इस तरह से आपको कोई भी वर्ड के साथ आप बना सकते हैं अगर आपको कोई वर्ड में लगता है कि आपको सेंटेंस क्या लिखना है क्या बोलना है तो आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ नेगेटिविटी हाँ मैं बहुत नकारात्मकता फील कर रही हूँ मुझे नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं मैं उसे देख रही हूँ फिर भी मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करती हूँ मुझे रह रहे के नकारात्मक फीलिंग आती है और इसके लिए मैं जज करती हूँ अपने आप को कि क्यों मुझे इतना नकारात्मक भाव आती है शायद मेरे में कोई कमी है शायद मैं ठीक ध्या, से ध्यान नहीं करती शायद मैं अभी आध्यात्मिक नहीं बनी हूं इन सब के बावजूद मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करती हूँ अब ये नेगेटिव इमोशंस है कोई बात नहीं इससे मैं इफेक्ट नहीं होती क्योंकि मैं इन्हें देख पा रही हूँ इनसे मैं ऊपर उठने के लिए कोशिश कर रही हूँ और मैं अपने आप को मैं जैसी हूं वैसे प्यार और स्वीकार करती हूँ तो सारे दर्द होता है ना एक रामबन दवाई होता है ना आप लोगों ने सुना है ना डॉक्टर बोलते हैं ना कुछ भी प्रॉब्लम हो ये वाली गोली रख लो होम्योपैथी डॉक्टर देते हैं ऐसा कि अगर घर में ये वाली दवाई कुछ भी लगे ना खा लेना तो आपको जो भी है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है हेल्थ में इश्यू है कुछ भी हो अगर सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को प्यार और स्वीकार करना तो ये अफॉर्मेशन इन जनरल सब में काम आता है किसी किसी में आपको लगे तो आप अफॉर्मेशन बदल भी सकते हैं तो आप अपने सेंटेंस खुद भी बना सकते हैं इसमें कोई राइट right, रॉन्ग नहीं है मेनली आपके फीलिंग और भाव अब थोड़ा और एडवांस चले आर यू रेडी यस yes. यस yes. ये हुई ना बात यस यस तो इन दोनों के बाद आप अगर और थोड़ा डीप उतरना चाहते yes. हैं तो ये एक और पॉइंट है ये पॉइंट है हमारे अगर हाथ को आप लोग ऐसे करिए ये दोनों फिंगर एंड के दोनों फिंगर के एक इंच नीचे जाके जहां मिलती है यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं जो रेड डॉट है इस पॉइंट को ठीक है सबने रिकॉग्नाइज किया अब इस पॉइंट के साथ हम लोग क्या करेंगे समझते हैं तो ये पॉइंट्स हम इसमें करेंगे इस पॉइंट पे हम लोग टैप करते हुए क्या करेंगे पहले आईज़ क्लोज करिए टैप करते रहेंगे आईज़ क्लोज आईज़ ओपन आईज़ ओपन करके अपने सर को हिलाना नहीं है राइट right साइड नीचे की तरफ देखेंगे राइट साइड कोने में नीचे की तरफ देखेंगे लेफ्ट साइड नीचे की तरफ देखेंगे और उसके बाद आई रोटेशन करेंगे ऊपर देखेंगे सीलिंग की तरफ राइट साइड डाउन लेफ्ट साइड ऊपर देखेंगे लेफ्ट साइड डाउन राइट साइड ऊपर और इसके बाद आई रोल के बाद हम कोई मुंह से कोई म्यूजिकल नोट्स निकालेंगे आपको जो भी पसंद हो जैसे यहाँ पे जो इसके जो इन्वेंट किए हैं उन्होंने इसमें आ, दिखाया है जो डेमो सेशन में उसमें है हैप्पी बर्थडे टू यू तो हम सबको अपना बर्थडे पसंद है दूसरे के बर्थडे में पसंद है तो ये एक सबके जो ऐसा कोई नोट आप ट्यून कर सकते हैं जो आपको पसंद है आप उसको गुनगुनाना चाहेंगे तो इसमें आप ओम भी कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं तो हम लोग हैप्पी बर्थडे वाले के साथ ही करते हैं चलिए हम्म 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 उसके बाद पांच काउंटिंग करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव फिर से दो बार करेंगे हम्म 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 एंड डन समझ में आया ये वाला आप लोगों को एक बार फिर से करें, चलिए एक बार फिर से इस बार मैं स्क्रीन ऑफ करके करती हूं यस तो यहाँ पे दोनों फिंगर के नीचे यहां इस पॉइंट पे टैप करेंगे हम लोग और इसके साथ आईज क्लोज करेंगे आईज़ ओपन करेंगे फेस को नहीं हिलाएंगे चेहरा आपका सामने ही रहेगा दाएं तरफ नीचे देखेंगे लेफ्ट साइड नीचे देखेंगे कोने में और उसके बाद क्लॉकवाइज आई रोटेशन करेंगे अप राइट साइड डाउन लेफ्ट साइड अप लेफ्ट साइड डाउन राइट साइड अप एंड हमिंग हम्म 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 वन टू थ्री फोर फाइव हम्म 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 एंड डन यस तो ये था इसका पूरा प्रोसेस तो so, इस तरह से हम कर सकते हैं टैपिंग क्लियर एवरीवन यस किसी का कोई सवाल कोई क्वेश्चन है तो अब हम लोग लिख सकते हैं थैंक यू जो लोग हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं अगर आपको टैपिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कुछ भी आपको जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर सके थैंक यू यस दी ये दोनों रिलेटेड है क्या जो पहले बताए और अभी जो बताए हाँ ये टैपिंग का ही है जैसे वो फटाफट हो गया ये थोड़ा टाइम लगता है तो कभी कभी आप ये भी कर सकते हैं और आप चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं अदरवाइज टाइम नहीं है आप खाली इतना ही करें मान लीजिए अभी आपको स्टेज पे जाना है आपको बहुत डर लग रहा है आप थोड़ा देर बाथरूम चले गए और फटाफट ये खाली कैराटे चौपी कर लिए टाइम है तो आप पूरा इतना कर लिए और टाइम है तो थोड़ा फिंगर्स का कर लिए तो जितना चाहे आप कर सकते हैं तो ये फर्स्ट स्टेप खाली इतना भी करने से चलेगा फिर ये सारे स्टेप्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं फिर आप इसके साथ साथ फिंगर्स का कर सकते हैं फिर ये वाला कर सकते हैं कितनी बार कर सकते हैं कितनी भी बार करे बेसिकली इसमें कहा गया है तीन बार कम से कम करिए तीन बार आप इसे करिए एक बार दो बार में भी आपकी रिलीज हो सकती है आपको इंटेंसिटी चेक करना है पहले अपने को मार्क देना है कि दस से एक जीरो के बीच में अभी कितना महसूस कर रही हूं फिर एक बार टैपिंग के बाद अगर आपको लाइट फील हो रहा है तो आप एक बार में आपका डन तो ये आपको चेक करना है ये डेली कर सकते हैं यस कितनी भी बार कर सकते हैं फुल बॉडी टैपिंग भी होता है इसके साथ साथ तो वो भी हम कर सकते हैं दिस इज फॉर क्या इसका मतलब क्या चीज आप पूछ रहे हैं यस तो पूरा बॉडी ये मैं पूछ रही थी हम्म बोली हाथ वाला जो बताया था वो वो समझ में आ गया फिर आपने बता दिया अच्छा अच्छा ओके ओके ओके, हाँ। ओके। यस फ्रेंड्स जैसे I... आपने बताया कि रिंग फिंगर नहीं करना चाहिए उसका क्या रीजन है इज इट कनेक्टेड सम नर्व्स या कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं एक्चुअली इसमें जो, इस जो जिन्होंने बताया है उन्होंने ऐसा कुछ डिटेल इसमें नहीं दिया है तो आप इसके ऊपर और भी डीप रिसर्च कर सकते हैं तो आपको पता चलेगा उन्होंने अभी इसको मना किया है कि इस फिंगर को नहीं करना है <laughs> हो सकता है कुछ ना कुछ क्योंकि सारे हमारे फिंगर्स किसी ना किसी नर्व से रिलेटेड है तो सभी साइंटिफिकली कुछ ना कुछ आपके इफेक्ट हो रहा ना बॉडी के पार्ट में तो इसी वजह से इसको मना किया गया है यस yes.